तो मेरे बेटा आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा, लास्ट से मैंने क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, तो इनको क्लियर करते हैं। 10,000 शेयर है, 10 का शेयर 12 में प्रीमियम पे है, 2,5,3,2 करके है और अलॉटमेंट प्रीमियम एडजस्ट हो रहा है। मिस्टर ए हैं जिनके पास 1,000 शेयर है, जिन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट क्लोज पैसा नहीं दिया। आप सभी को पता है कि हर इंस्टॉलमेंट में दो एंट्री बनाते हो, एक ड्यू की और एक रिसीव की, एक ड्यू की एक रिसीव की। पहले बनते ड्यू फिर बनते रिसीव, लेकिन एप्लीकेशन पे होता है उल्टा। एप्लीकेशन पे क्या बनाते हो मेरे बेटा? पहले बनाते हो रिसीव, बोलो क्या बनती है एंट्री? सबने बना दी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर है मेरे बेटा जी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो एप्लीकेशन में कितने हो गए? 20, क्योंकि एप्लीकेशन 2 रुपए की है। फिर बनेगी ड्यू, जिसे तुम यहाँ बोलते हो क्या? ट्रांसफर एंट्री। बोलो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सभी बोलो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मेरे बेटा जी? 20, 20। उसके बाद क्या आएगा मेरे बेटा जी? अलॉटमेंट। पहले कौन सी बनेगी मेरे बेटा? ड्यू। तो जितनी एंट्री बोली थी मैंने, बोला उतना तो बनाना ही बनाना है। एप्लीकेशन की क्या जगह लिखो? अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ये हमारा शॉर्टकट था सीखने का, हालांकि मैं आपको रीजन भी क्लियर कर चुका हूँ। बट क्या यहाँ पे एसपीआर है? एसपीआर का तड़का है। एसपीआर क्या होता है? ड्यू एंट्री में क्रेडिट। चलो जी, कितने शेयर हैं? 10,000 शेयर 3, और यहाँ पे 3 रुपए शेयर के हैं और 2 रुपए का प्रीमियम है। प्रीमियम का अमाउंट अलग रिकॉर्ड होगा और शेयर का अमाउंट अलग। यहाँ 30, यहाँ 20, टोटल कितने हो गए मेरे बच्चों? 50। नाउ अब उसके बाद क्या आएगा मेरे बेटा जी? चौथी एंट्री। बनाओ रिसीव एंट्री, क्या बनेगी? बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हम शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांग रहे हैं कुल मिला के? 50,000 रुपए। क्या यहाँ पे कोई बदतमीजी हो रही है? जी हाँ, बदतमीजी हो रही है। मिस्टर ए हैं जिनके पास 1,000 शेयर हैं और उन्होंने पैसा नहीं दिया। मैंने क्या बताया था? जब पैसा नहीं मिलता तो कॉल्स इन एरियर रिसीव एंट्री में, ये रिसीव एंट्री है, डेबिट कर देंगे। कौन सी रिसीव एंट्री? जहां पर एरियर आ रहा है। कितने शेयर थे बंदे के पास? 1,000 शेयर। ये 1,000 रुपए नहीं है, 1,000 शेयर है। 1,000 शेयर और कितने रुपए? ये अलॉटमेंट पे 5, 1,000 × 5, 5 मांगे गए थे, 50 में से 5 नहीं मिले, मतलब 45 मिल गए। जो मिल गए वो हमारे बैंक में। उसके बाद क्या हुआ? फर्स्ट कॉल की एंट्री लगाओ। बोलो शेयर फर्स्ट कॉल, ड्यू एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो हाँ या ना? कितने शेयर है मार्केट में? अभी भी 10 ही हैं। अच्छा, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? देखो दिख गई होगी, 3 रुपए की। हाँ जी, 3 रुपए की। 30, 30। फिर क्या बनेगी मेरे बेटा जी? ड्यू एंट्री। अब बनेगी रिसीव, पैसा मांगने वाली एंट्री। बोलो, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्या यहाँ पर एरियर है? हाँ। यहाँ पर बदतमीजी हुई है? यहाँ। यहाँ पर कंपनी को छेड़ा गया है? हाँ। तो क्या होगा? कॉल्स इन एरियर, क्या कर दो मेरे बच्चों? डेबिट। कितने से? 1,000 शेयर थे, मल्टीप्लाई बाय 3,000 रुपए, मतलब 30 में से 3 नहीं मिले, कितने मिल गए? 27। इसे तुम क्या बोलते हो? एरियर के साथ एंट्री लग गई। डन है। नाउ अब आते हैं फाइनल कॉल, लास्ट। पहले बनाओ ड्यू, जैसे बनाते हो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है मार्केट में? 10। अच्छा जी, फाइनल कॉल कितने रुपए की है मेरे बच्चों? बोलो ना, 2 रुपए की। तो कितने रुपए मांगे कंपनी ने टोटल? 20,000 रुपीज। क्या कंपनी को 12 रुपया मिल गया? देखो कि यहाँ पे कोई बदतमीजी हो रही है। देखो अब यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कोई बदतमीजी नहीं हुई, और बल्कि जो बदतमीजी पहले हुई थी उसका पैसा भी मिल गया। तो देखो क्या होगा, रिसीव एंट्री, बदतमीजी थी या कुछ नहीं हुई, पहले तो नॉर्मल एंट्री बना दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। सिर्फ इसी एंट्री में अटक सकते हो और कहीं नहीं अटकने वाली, गारंटी है। और बाकी अगर कोई अटक रहा है तो उसे यानी कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। तो फाइनल कॉल में 20 मांगे थे,
कोई बदतमीजी नहीं, पूरा पैसा मिला है हमें फाइनल कॉल पे दो। लेकिन जो पहले का एरियर है, एरियर क्या कर रहा था मेरे बच्चों बताओ ना, ये 5 और मेरे बेटा ये 8, ये 5 और ये 3 8, ये एरियर डेबिट था, अब क्या कर दोगे क्रेडिट, क्योंकि अभी एरियर खत्म हो गया क्योंकि अब इसका पैसा मिल गया है। होता है ना जैसे डेटर डेबिट होता है, जब पैसा मिल जाता है तो डेटर को हटा देते हो, क्रेडिट कर देते हो, ऐसे यहाँ पर भी क्या कर दोगे एरियर 8, कैसे 5,000 भैया पहल का फर्स्ट अलॉटमेंट का और 3,000 हमारा फर्स्ट कॉल का, पूरा 8 मिल गया। टोटल अपने के पास कितना पैसा आ रहा है मेरे बेटा जी, 28,000 रुपये आ रहा है। हाँ जी अब क्लियर है सभी को, देवांश अगर देवांश है तो, देवांश श्रियांश बोलो। हाँ जी सर। ठीक सर, हाँ बोलो बच्चे। सर इस लास्ट वाली एंट्री की वो क्या होगी, नरेशन? नरेशन अगर लिखनी है तो वैसे तो नरेशन बड़ी आसान है, बना लिया करो, बड़े आसान से बन जाता है। याद रखना नरेशन ना लिखने में नंबर कटेंगे, नरेशन बकायदे 19-20 लिखोगे तो कुछ कोई पढ़ता नहीं है। हालांकि लिखोगे बीइंग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव विथ कॉल्स इन एरियर मेड बाय मिस्टर ए, प्रॉपर नरेशन तो ये बनती है। हालांकि इतनी प्रॉपर कोई बनाता नहीं है, वो पहले बता रहा हूं। और बोलो बेटा रिया, क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। चलो अब हम शुरू करते हैं। जैसे कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट लिया था, ऐसे ही कॉल्स इन एडवांस का भी कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है मैं बेटा एक काम कर रहा हूँ, ये वाली मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना, ठीक है? फटाफट से ज्वाइन करना, मैं दोनों वीडियो को मिक्स नहीं करना चाहता, जल्दी से।